संगम नगरी में 14 जनवरी से माघ मेला शुरू होगा। माघ मेला तथा कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर निरीक्षण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को प्रयागराज पहुंचे। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री संगम नोज पर पहुंचे और पूरे विधि विधान से मां गंगा का पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा पूजन के पश्चात निरीक्षण किया। इस दौरान कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद लगी होर्डिंग के बारे में अवगत करा रहे थे। 8 मार्च तक चलेगा, 54 दिन का मेला है सर। हमने 5 सेक्टर बनाए और 6 पॉन्टून ब्रिज और निर्माण पूरा निर्माण हो गया है और उसमें आगे पूरे हो गए। चकट प्लेट सर आगे दिखा देते, चकट प्लेट मुख्य रोड पे सारी बस गए हैं और घाटा मार्ग में 31 नंबर तक हो जाएगा। यहाँ पे जैसे नदी की पूरी कटान सर, कटान उसमें पूरा रिवर ट्रेनिंग काम हो गया है, पूरा रिवर ट्रेनिंग काम 2 किलोमीटर का। लेकिन यहाँ पे अगर श्रद्धालु जो है स्नान करना जाना चाहेगा तो कैसे जाना सर? इसमें घाट हम बनाएंगे सर, अभी 3000 क्यूसेस का पानी चल रहा है, 4000 क्यूसेस और आना है सर, 31 तक आएगा, फिर हम घाट बनाएंगे। और इस तरह गंगा जी ने इस बार 50% कम जोड़ा सर। इसके उपरांत वो अक्षयवट पहुंचे, उन्होंने कई कार्यों का अवलोकन कर जानकारी ली। इसके बाद सायं सीएम योगी माघ मेले को लेकर चल रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके पूर्व हेलीकॉप्टर से उतरने पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सांसद केसरी देवी पटेल, महापौर गणेश केसरवानी, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी आदि ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी के शहर आगमन के दौरान उनकी सुरक्षा चाक चौबंद रही। इस दौरान मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि वीआईपी आगमन के मद्देनजर पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने मंगलवार शाम पुलिस लाइन में मातहतों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए थे। उधर मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व फ्लीट रिहर्सल भी हुआ। ब्रीफिंग में डीसीपी नगर दीपक भूक, डीसीपी यमुनानगर अभिनव त्यागी, डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती, डीसीपी प्रोटोकॉल आशुतोष द्विवेदी समेत अन्य अफसर व कर्मचारी मौजूद रहे। इनको रहने दो, इनको रहने दो, चलो एक मिनट आगे निकल। अरे मंत्री जी, चलिए।